तपन एजुकेशनल एंड कॉम्पिटेटिव हब में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम लोग एसएससी मैथ्स में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा क्वेश्चन कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और जो पहला चैप्टर एसएससी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो है नंबर सिस्टम, जिसे एक से दो क्वेश्चन प्रीलिम्स और तीन से चार क्वेश्चन मेंस में भी आता है। और हर तरह का एग्जामिनेशन के लिए नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, पहला है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, उसका कन्वर्शन देखेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम, कंपोजिट, साइक्लिक एंड परफेक्ट नंबर वो सब क्या है देखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे एंड क्यूब क्यूब रूट एंड मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो क्या है देखेंगे, लास्ट टू डिजिट एंड थ्री डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ढेर सारा करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल से कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, बाइनरी में एक आध क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखेंगे, कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट से डेसिमल से बाइनरी, और डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं ये देख लीजिए। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग जीरो से लेके नाइन तक डिजिट्स यूज करते हैं, क्योंकि ये दस डिजिट से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट्स है, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम इसे कहा जाता है। ये नंबर्स को हम लोग हिंदू अरबिक नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट यूज होता है, 0 एंड 1, ये जो कंप्यूटर का लैंग्वेज में यूज होता है। और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है इसमें 0 टू 7 तक का डिजिट यूज होता है, ठीक है। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 0 टू 9 10 डिजिट्स, देन ए बी सी डी ई एफ फॉर रेस्ट, ये 11 के लिए, ये 12 के लिए, 13 14 15 एंड 16 के लिए, ये सब अल्फ़ाबेट्स यूज होता है, ठीक है। तो फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में चलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स यूज करते हैं। इसमें दो तरह से हम लोग नंबर को लिखते हैं, पहला है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम एंड देन इंडियन सिस्टम। ठीक है, कोई भी नंबर को हम लोग दो तरह से रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो इंडियन सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम तो आपको पता है, जैसे कि कोई भी नंबर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, ये मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है, तो ये पहला प्लेस को बोलते हैं 1 प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, दिस इज 1000 प्लेस, दिस इज 10,000 प्लेस, दिस इज लाख, दिस इज 10 लाख, दिस इज करोड़, दिस इज 10 करोड़, दिस इज 100 करोड़, ओके। ये इंडियन सिस्टम में हम लोग ऐसे प्लेस वैल्यू रखते हैं। इंडियन सिस्टम में जब भी हम लोग कोई भी नंबर लिखेंगे, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये नंबर को पढ़ने के लिए पहले 3 नंबर तो आप पढ़ सकते हैं, 673, ये प्लेस को हम लोग बोलते हैं 1000 प्लेस। यहाँ जो भी लिखा है उसको पढ़ के आप 1000 बोल सकते हैं, 85,000, ठीक है। ये है लाख प्लेस, इसको पढ़ के आप लोग लाख बोल सकते हैं, 72,85,673। ये है करोड़ प्लेस, इसको आप टोटल पढ़ के आप करोड़ बोल सकते हैं, 375,72,85,673। अगर यही सेम नंबर हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे, अगेन सेम नंबर 357 375 72 85 673, ठीक है। तो ये 1 प्लेस इसे भी इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, और ये इंडियन सिस्टम है। तो ये 1 प्लेस तो सही है, दोनों एक ही होता है, फिर 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस,
फिर 10,000 प्लस, यहाँ तक तो हम लोग का दोनों का सेम है, इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम उधर सेम। उसके बाद जैसे ही ये लाख प्लेस आता है, उसे इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 प्लेस बोला जाता है, ठीक है। फिर जो 10 लाख प्लेस है उसको बोलो इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, मिलियन प्लेस बोला जाता है। एंड दिस इज 10 मिलियन, दिस इज 100 मिलियन एंड दिस इज बिलियन, ठीक है। तो ये 100 करोड़ बिलियन से बराबर है, ये जो 10 लाख वाला प्लेस है 7-10 लाख में लिखा है, ये मिलियन से इक्विवेलेंट है। तो हमको अगर पूछा जाए 1 मिलियन हाउ मेनी लैक्स, इज 10 लाख, ठीक है। अब इंडियन सिस्टम टू इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी हम लोग लिखते हैं, हम 3 डिजिट्स को छोड़ के कमा देते हैं, पहले ये 3 डिजिट छोड़ के कमा, फिर 3 डिजिट्स, फिर 3 डिजिट्स, इस तरह से आप दे सकते हैं। पहला 3 नंबर आप पढ़ सकते हैं, सेकेंड 3 नंबर आप पढ़ के उसमें आप 1000 बोलेंगे, जैसे 285,000। थर्ड 3 नंबर्स पढ़ के आप मिलियन बोलेंगे, 757 मिलियन, और रेस्ट इधर जो है बिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 100 बिलियन, देन ट्रिलियन प्लेस भी आता है। तो ये नंबर को अगर हम रीड करना चाहें तो इसे हम पढ़ेंगे 3,757,285,673। ये होता है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। कोई भी नंबर लिखे, 73285 मान लीजिए, इसी में जो मैंने अभी आपको बताया जो प्लेस लिखा जाता है उसी को बोलते हैं प्लेस। 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस तरह का चलता रहेगा। कोई भी प्लेस में जो भी डिजिट लिखा गया है, फेस वैल्यू बोलने से वही डिजिट इटसेल्फ होता है। जैसे कि फेस वैल्यू, जैसे 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। ये जो नंबर लिखा गया है 37,285, इसमें व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 7 आपको पूछा जाए तो 7 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सा प्लेस में है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 3 × 10,000 प्लेस है, 10,000 प्लेस में है, और वैल्यू क्या है, 3 × 10,000, दैट इज 30,000, ठीक है। ये प्लेस, ये जो 3 लिखा है इसका वैल्यू है 30,000, और प्लेस क्या है, 10,000, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में चलेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम सीरीज के अगले पार्ट में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।